नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, जहाँ पर हम लोग अलग अलग लोगों से आपकी बातें करा रहे हैं। और अभी योगेंद्र बेचैन जी हमारे साथ हैं, जो अलीगढ़ से यहाँ पर पधारे हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उनसे बन सकता है अच्छा करने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। और यहाँ पर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया चीज़ देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, जहाँ पर हम एंशियंट विजडम इंडिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर चुके हैं और उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और उनके बारे में। तो आप सभी की तरफ से योगेंद्र बेचैन जी का बहुत बहुत स्वागत। हाँ सर, मैं इस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है, एक्चुअली विजडम की बात करना एकदम से बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ख़ास तौर से जो एक बच्चा है उसका पूरा का पूरा जो संसार है वो माँ से और घर से शुरू होकर विद्यालय तक आता है। उस विद्यालय के बाद फिर वो संसार में उसका जो भी गतिविधि है वो सब केवल दो जगह से नियंत्रित होता है। तो माँ जैसे संस्कार देगी, जैसा उसका बिलीफ होगा, वो किसी ना किसी रूप में उस बच्चे में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण जगह है वो है स्कूल या विद्यालय। स्कूल में यदि हम 6 घंटे रह रहे हैं और दूसरी तरफ जो पेरेंट्स है वो इस आशा से भेज रहा है कि हम जो सिखाना चाह रहे हैं उससे थोड़ा कुछ बाहर का वो स्कूल सिखा दे, तो उसमें कहीं ना कहीं एज ए टीचर एजुकेटर हम लोगों का ये जिम्मेवारी हो जाता है कि हम उसको किस प्रकार के विश्वास, किस प्रकार का नॉलेज और किस प्रकार के जो बिलीफ हैं वो उसके अंतर्गत डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हमारे एक शब्द से किसी भी वस्तु को सही या गलत कह देना वो उस बच्चे में वो विश्वास जगा देता है कि पर्टिकुलर चीज़ एक चीज़ गलत है, तो चूँकि हम कह रहे हैं तो वो गलत है, तो वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसके बारे में उसका सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष जो डेवलप करने का प्रयास करता है वो विद्यालय है और टीचर है। तो यहाँ पर मैं जो समझता हूँ, एंशियंट में हमें नहीं पता कि हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे, वो बिना पढ़े लिखे थे, वो कितना बोल पाते थे, ये भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर या हमारी जो पीढ़ी है उनसे जो भी नॉलेज का ट्रांसमिशन पीढ़ी से पीढ़ी हो रहा है वो हमारी जनरेशन में लगातार कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर छोड़कर जा रहा है जिसका प्रभाव हम इस संसार में या इस जो बाह्य जो हमारा वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है एक बाह्य वर्ल्ड है, उस पर हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, ये पूरी की पूरी चीज़ें इन दो चीज़ों से नियंत्रित होती हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही अच्छा बात, अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से बच्चे को जो भी हम सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं उसका विश्वास और उसका एक संस्कार बनता है। तो हम सभी को एज ए शिक्षक हमें बहुत अटेंशन देना होगा और उन्हें पढ़ाना होगा, तो उस हिसाब से आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं वर्तमान में, कहाँ रहते हैं थोड़ा। जी, मैं वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। हमारा काम है भावी शिक्षकों को तैयार करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें नॉलेज देना, और केवल इतना ही नहीं कि ऐसे शिक्षक तैयार करना जो आने वाली पीढ़ियों को उस पीढ़ी को किस प्रकार से हमें सिखाना है, नवाचार का इस्तेमाल करते हुए, उनके लोकल बैकग्राउंड से उनको जोड़ते हुए, उनकी कल्चर से उनको कैसे हम जोड़ें, ठीक है। और केवल ये परिवार और एक कम्युनिटी तक निश्चित नहीं है, ये जो जोड़ने का काम है वो वैश्विक स्तर पर हो, वो नेशन स्तर पर हो, ये हम प्रयास करते हैं। और मैं पिछले 15 सालों से इसमें मैं कार्यरत हूँ। साथ ही साथ जो मुख्य पक्ष है कि किसी भी चीज़ को कैसे हमें उसके बारे में मूल्यांकन करना है, तो वो जो मूल्यांकन है उसमें किसी भी इंडिविजुअल का जो उसकी जो संवेदनाएं हैं क्या वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, या साथ ही साथ
जो उसका उसको चीज़ों को वो कितने ऑब्जेक्टिविटी रूप में देख रहा है, यानी वो जैसी की जैसा है उसको वैसे ही देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या उसमें वो अपने विश्वास जो एजुकेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसमें आ चुके हैं, क्या वो उनको उस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ एज ए एक शिक्षक एजुकेटर के रूप में कि विद्यालय और यूनिवर्सिटी वो हमारी जनरेशन को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हालांकि उसमें बहुत सारी विचारधाराएं आइडियोलॉजी इंटरफेयर करने का प्रयास करती हैं, वो अपने अपने हिसाब से उनका उनके आर्थिक उद्देश्य हो सकते हैं, उनके राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में जहाँ जब हम ये बात करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे संसार के सामने खड़ा रह सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक शिक्षक का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं उसी पर काम करता हूँ, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि यदि कोई सवाल भी है तो वो सवाल किस प्रकार से पूछा जाए, उससे किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं, या कोई भी कंटेंट को आप जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कहीं वो हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को तो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस पर फोकस करता हूँ। चलिए योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।